चार दिन पहले देश में महंगाई के पीछे का पूरा सच आपको हमने दिखाया था, ट्रकों की हड़ताल से ठीक एक दिन पहले। यह हड़ताल अब भी जारी है और नतीजा क्या देखने को मिल रहा है, यह आपको घंटी बजाओ की यह फॉलोअप रिपोर्ट बताएगी। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। देश के पांच राज्यों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जो बता रही हैं कि हाईवे के रास्ते आपके घर तक पहुंचती है महंगाई। पांचों तस्वीरें देश भर में ट्रकों की हड़ताल का नतीजा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ट्रक हड़ताल की वजह से केले के किसानों और व्यापारियों को 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। अकेले बुरहानपुर से ही देश भर में 200 से 300 ट्रक केला कई राज्यों में सप्लाई होता है, लेकिन ट्रकों की हड़ताल की वजह से केला बाहर नहीं जा पा रहा। यूपी के वाराणसी में भी ट्रकों की हड़ताल का असर दिख रहा है। मंडियों में सब्जी और फलों के दाम 20 से 30 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। वाराणसी में करीब 1000 ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके 6000 ट्रक बाहर आते जाते हैं। गुजरात के सूरत का हाल भी देखिए, जहां ट्रकों की हड़ताल ने कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। 4 दिन से कई कंपनियों में माल तैयार पड़ा है, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा। कारोबारियों का दावा है कि करीब 3000 करोड़ के कपड़ों की डिस्पैचिंग नहीं हो पाई है, ऑर्डर भी अब कैंसिल हो रहे हैं। अकेले सूरत में ही कपड़े की करीब 12000 दुकानें। बिहार के समस्तीपुर जिले की मंडियों में रोजाना 500 से ज्यादा ट्रक खाने पीने की चीजें लेकर पहुंचते थे, पर तस्वीरें यहां भी बदली दिख रही है। आलू, प्याज, फल और जरूरत की दूसरी चीजें महंगी हो गई हैं। यहां से काफी सब्जियां बाहर भी भेजी जाती थी, लेकिन ये सप्लाई भी ठप है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रांसपोर्टर अब घूम घूम कर ट्रकों को बंद करवा रहे हैं। कच्चे माल की ढुलाई करने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है, तो छोटी गाड़ियां भी बंद में शामिल हो गई हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अपील पर पिछले 5 दिनों से देश भर में ट्रांसपोर्टरों ने अपने ट्रक खड़े कर रखे हैं। ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि सरकार डीजल को GST मिलाए, डीजल से सेस हटाए, टोल टैक्स व्यवस्थित करे। 4 दिन पहले ही महंगाई पर 5 राज्यों से बड़ी रिपोर्ट घंटी बजाओ में देश ने देखी थी। हमने दिखाया था कि जब देश में ट्रकों की हड़ताल नहीं भी होती, तब भी महंगाई आपके घर 4 पहियों पर आती है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर व्यवस्थाएं सरकार दुरुस्त नहीं करती। ट्रकों को लंबे वक्त तक टोल बूथ पर रुकना पड़ता है। RTO कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं और ट्रकों के पहिए जब धीमे होते हैं तो जनता महंगाई की चक्की में पिसने को मजबूर होती है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।